अपना नाम बताइए। कैसा लग रहा है कि 3 महीने के बाद स्कूल इधर? अच्छा लग रहा है कि 3 महीने जाके तो बोर ही हो गए, फिर समझा कि आज स्कूल आ जाए। बहुत दिनों बाद बोल रहे थे कल ताले लगा कि बहुत मूड बहुत खराब हो गया, तो सोचा आज स्कूल आ जाए। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत टाइम के बाद, और मौसम भी देखिए कितना खराब हो गया, बहुत अच्छा लगा स्कूल। देखिए जिस तरीके से 2018 तो ऐसा तो लग रहा है, वैसे हालात की वजह से पता नहीं, अब खुदा तक है सब कुछ, ऐसे तो ठीक ही रहेगा इंशाल्लाह सब अच्छा। 7,000 है, मतलब आज बहुत दिनों के बाद स्कूल आए हुए, तो अलग ही एक्साइटमेंट है स्कूल आकर। ऐसा लग रहा है कि कुछ अलग होने वाला है, जब बहुत टाइम बाद स्कूल आते हैं तो अलग मजा आता है, और नया एकेडमिक सेशन स्टार्ट हो जाता है, फ्रेंड्स से मिलते हैं, ये बेटर फीलिंग होती है स्टूडेंट के लिए। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि घर पे बैठ के सब बोर हो गए थे, ऐसे सब लोग कह रहे थे कि स्कूल खुलेंगे कब, फ्रेंड्स गेट टुगेदर करने के लिए। अगर हालातों की अगर एजुकेशन के हिसाब से बोलेंगे तो मुझे लगता है कि इस साल बहुत अच्छी से, मतलब हालात ठीक रहने चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से हमारा जो एकेडमिक सेशन होता है वो मुतासर होता है, जिसकी वजह से कश्मीर के बच्चे ज्यादातर पीछे रह जाते हैं हर एक फील्ड में, जो कि नहीं होना चाहिए। थैंक यू। एक नई वॉर्म है, होपफुल कि आगे का साल अच्छा होगा, और एक नई वाइब भी नया स्कूल है, मतलब ऐसे दुआएं कि सब अच्छा जाए, एजुकेशन ईयर अच्छे रहे। गवर्नमेंट और कम्युनिस्ट, मतलब जो भी इनसे रिव्यू करते हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, एजुकेशन शुड नॉट सफर एट ऑल, क्योंकि वी आर द फ्यूचर ऑफ कश्मीर, वे आर एक्चुअली डिप्लॉयिंग अस। आई रिक्वेस्ट की उनको जो करने करें, बस हमारी एजुकेशन डिपेंड है, दे प्रोवाइड अस सिक्योरिटी, दे प्रोवाइड अस एवरीथिंग, एंड वी शुड ऑप्ट आवर एजुकेशन इन आवर स्कूल्स प्रॉपरली। तो बोल देयर इज मिसकंसेप्शन, और वो गवर्नमेंट और लोकल पीपल को बीच में, मतलब आपस में सॉल्व करना है, और वो सब कुछ इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, वही विश से।
है।